को पावन अपनी हाथी से कृष्णा वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। बिल्कुल शांत के 19वें श्लोक का बहुत ही क्रांतिकारी गुणकारी फरमान, अपने जीवन में दैनिक जीवन में हर रोज काम आने वाला। परमात्मा से मेरी हार्दिक प्रार्थना है आपको शक्ति दें अपनाने की। आप समझ तो जाते हैं चूंकि रोज आने वाले की बुद्धि विकसित हो जाती है, विकसित बुद्धि बड़ी जल्दी पिकअप कर लेती है, बड़ी जल्दी। अब भगवान जरूर अपनी ओर से ये दिव्य शक्ति प्रदान करे, अपनाने का शौक पैदा हो जाए। सुनो मेरी देवियों, सुनो मेरे सज्जनों, मन में एक लगन पैदा हो जाकर मैंने अपनाना है और जरूर अपनाना, शाबाश, मैंने महाराज की वाणी की कदर करनी है। कदर करना सिर्फ केवल पाठ नहीं होता कि हम रोज पाठ कर दें, पूरी कदर होती है जो उसके अनुसार अपने जीवन को बनाए, महाराज के अनुसार अपने बुद्धि को अपने मन को सुंदर बना ले। जैसे साबुन और पानी छोटी कदर होती है, अपने कपड़ों की मैल निकाले और कपड़े दूध की तरह उज्जवल निर्मल विमल हो जाए, तल पे अच्छा लगे, मक्खियां ना भिन भिन आए, मैले कपड़े पहनेंगे तो शाबाश। आपका काम तो भगवान की वाणी सुनना है, आप श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनते हैं, जरूर मेरे भगवान मेरी मानेंगे, अपनाने की शक्ति देंगे। तो हमने विचार किया, मन का ये स्वभाव है जिसको उत्तम कह देती है उसके पीछे हो लेता है। उत्तम इंसान कब कहता है, मैं और विस्तार कर रहा हूं आपके कहने के अनुसार, अभी इस प्रसंग को मैं पूरा नहीं कर रहा, इसके और भी मेरे प्रभु मुझे ताकत देंगे और मैं विस्तार करूंगा। जब भी हम किसी को उत्तम कहती है तो मतलब ये कि बुद्धि का विकास है। सुनो मेरे देवियों, ना बातें करो, बुद्धि के विकास का मतलब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु, उन दोनों तीन चार वस्तुओं में गुण दोष देखे जाती है, ये गुण है, ये में दोष है, पर इनमें गुण ज्यादा है, इसके बोलते हैं ना तुलनात्मक अध्ययन, इंग्लिश में कहते हैं कंपेरेटिव स्टडी, हाँ मुकाबलतन, उर्दू वाले बोलते हैं मुकाबलतन, ये बेहतरीन है मुकाबलतन। हाँ अपना बड़ा प्यारा शब्द राष्ट्रभाषा का तुलनात्मक अध्ययन करना, इसे बुद्धि और भी खुलेगी, बुद्धि और भी विकसित होती है मेरे जीवन में, मेरे सज्जनों। अब जब हम इस तरह तुलनात्मक अध्ययन जगत का, संसार का, जीवात्मा का, शरीर का, प्राणी पदार्थों के साथ मिलजुल के तुलना करते हैं, भगवान उत्तम प्रतीत होते हैं। मैं फिर क्लियर करूं, तुलनात्मक अध्ययन से तो भगवान उत्तम नजर आते हैं, लेकिन क्या नजर आता है, जिससे हमारी आंतरिक कामना पूरी हो जाए वो उत्तम कहलाएगा, शाबाश। हमारी तो एक ही मांग है, मैंने कई बार कहा, सदा रहने वाली शांति लेकर जीवन गुजारे और जीवन गुजारते गुजारते बस मालिक की जात में तलीन हो जाए, किसी माँ के गर्भ में ना जाके तलीन हो जाए। ध्यान दो मेरे देवी, मैं और विस्तार कर दूं, जो हमारी हमें अधिकतम लाभ दे, अर्थात हमें ज्यादा ज्यादा शांति दे, केवल भगवान जी है। संसार के प्राणी पदार्थ तो थोड़ी देर के लिए शांति तो नहीं देते, खुशी देते हैं। और एक बात और भी क्लियर कर दूं, खुशी तब देते हैं जब ये चाह जाए तो। अगर आप किसी कामना किसी प्राणी पदार्थ को चाहते नहीं, आपके लिए जीरो है, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। लोगों के लिए अच्छा चीज वो बड़ी ही कीमती हो, आप नहीं चाहते, जीरो है। अब कोई आपकी शादी के लिए लाखों रुपया लगा देता है,
और कोई आपको चाहता ही नहीं। देखो कितना अंतर, चाहने वाला लाखों रुपया लगा दिया, अच्छा कार भी आपको दी, ड्राइवर भी आपको दिया, और पिताजी ने कह दिया 5 साल तक मैं ड्राइवर की तनख्वाह भी देता रहूंगा। ओए होए 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 होए, और कोई चाहता ही नहीं आपको। जहां आप कोशिश करती थी मेरी शादी हो जाए, बाबा उसने इनकार कर दिया। देख लो मेरी बेटी, कहीं आप चाहती हैं वो नहीं चाहता, जीरो हो गई, और कहीं आपको फेंका गया। क्या करे बाप बेचारा, क्या करे, उम्र बड़ी होती जा रही है। तो चीजों की वैल्यू कब है, जब देखी चीजों की वैल्यू, अपने आप में कुछ वैल्यू नहीं। और सुनो नेक जीवो, वो नेक देवी हो, आपको अपने गीता की रास की बातें बताऊं, चोटी की बातें जो आपके जीवन में एक शानदार परिवर्तन लाएंगी। प्राणी पदार्थों की अपने आप में कोई सत्ता नहीं, महत्ता नहीं, वैल्यू नहीं है। जब आप चाहने लगती हैं तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। देख लीजिए गुजरी जिंदगी पर, पहले आपने किसी चीज को चाहा, चंद्र के बाद आपके अनुकूल न रही, आपका मन टूट गया, छोड़ दिया, जीरो हो गई। शादी पर आपके पिताजी ने लाखों रुपया लगा दिया, नहीं आपकी दाल गली, नहीं बात बनती आपकी, तो अभी आप कह रहे 10 महीने के बाद ही मैं तो घर में बैठ गई हूं, 10 महीने के बाद ही, हाँ नहीं बात बनी, सब रुपया बर्बाद, सब रस्म रिवाज बर्बाद। तो संसार की वैल्यू कब होगी, जब उसे चाह जाए। तो संसार को कब चाह जाता है, क्यों ऐसे सवाल करते हो? ये तो वकील जज के सामने जरा करते हैं, जिसमें कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। संसार को कब चाहते हम, अज्ञानता से, जब इसकी असलियत नहीं पता होती इसको महत्ता देते हैं। जब इसकी असलियत का पता लग जाता है, मेरे सज्जनों मेरे देवियों, तब महत्ता अपनी खींच लेती है। करोड़ों व्यक्तियों को यह गलतफहमी है, भ्रांति है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, संसार के प्राणी पदार्थ मुझे सदर रहने वाली खुशी देंगे, नहीं दे सकते, इनमें इतनी ताकत भी नहीं है। अब जो जो ये बात आप में समाएगी, भक्ति बढ़ जाएगी, जो जो आपके अंदर ये बात गहरी उतरती जाएगी, आपका मन एकाग्र होता जाएगा, वैरागी होते जाएंगे, आपका मन अपने आप में रहेगा, आपका मन बाहर नहीं धक्के खाएगा। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, आपका मन आवारा गर्दी छोड़ देगा, जो मन की आवारा गर्दी थी मेरी देवी अब नहीं रहेगी। बैठे बैठे मन कहां कहां जा रहा था, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में, कभी वर्तमान में चक्कर काटता था, अब नहीं, अब अपने आप पे रहेगा, पता लग गया कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, मैं क्यों धक्के खाऊं। मन में ये बात बड़ी मुश्किल से समाय आने का, मन धक्के भी खाता है, दुख भी पाता है, फिर भी ये बात बड़ी मुश्किल से आती है। अनित्यम असुखम की बात जल्दी नहीं बैठती, क्योंकि हमारे पिछले जन्म के शुभ संस्कार मेरे सजनों में दिव्य बहुत कम होते हैं, इसी बड़ी मुश्किल से ये बात बैठती है। बैठ जाए सही, फिर फटकरी की तरह एक बार गदले पानी में फटकरी चली जाए तो सारी मिट्टी को लेके नीचे बैठ जाती है फटकरी। कभी आप करके देख लेना, साफ सुथरे पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल देना, पानी बन गया गदला, फिर फटकरी भी डाल देना, हाँ अब देखना क्या कर रही है, बड़ी कमाल करती है, फटकरी बड़ा जादू कर देती है। क्या वो मिट्टी को लेके नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पानी छान जाए, ऊपर पानी निर्मल। ये बात बैठ जाता है नित्य मासुकम, सारी कामना को लेके नीचे बैठ जाएगी, ऊपर मन भगवान के योग्य। जैसे धुला हुआ कपड़ा आपके शरीर के योग्य, धुली साड़ी आपके शरीर के योग्य, मैली धोबी के योग्य, मैली तो हम धोबी को भी देती है, धो के प्रेस करके आपके ले आएगा। गंदा मन जो है संसार के योग्य होता है, गंदे का मतलब जो काम क्रोध लोभ अहंकार में मैला हुआ पड़ा है, इसी से जीव जितना बार मुखी और गंदी मिट्टियों में होगा उसे दुख पाएगा। आप उससे पूछे क्यों दुख पाएगा, क्योंकि इन गंदी मिट्टियों से विक्षेपता आ जाती है, मन में बेचैनी और बेकरारी आ जाती है। इधर भगवान की ओर लगते हैं, तो मैंने कहा था पहले 3 गुण आते विवेक विराग भक्ति, इससे मन टिक जाता है, इससे मन ठहर जाता है। समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि आपने पतीली में दूध और दूध आंच पे रख दिया, अब आंच की गर्माइश से क्या हो रहा है, दूध का जोश ऊपर आ रहा है, दूध गिरने वाला है, पतीली की सीमा पर दूध छोड़कर बाहर आने वाला है, इतना जोर का उफान आ गया। कोई बात नहीं, आपने फौरन ठंडे पानी के कुछ छींटे ऊपर डाल दिया, ओह दूध गया नीचे। इस तरह भगवान की ओर लगती है,
गंदी वृत्तियां बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। अब जानता हूं गंदी वृत्तियां होती है मेरे सजनों, परमात्मा करे आप अपने इस देव जी को और भी महत्ता दे, संसार निकलता जाएगा। कोई भी प्राणी पदार्थ वस्तु क्या आपके मन में नहीं बैठ सकती अगर आप महत्ता न दे। कितना अच्छा गुण है जी, परमात्मा करे अब आप बिठा लो अपने मन में। कितना इनकलाबी प्रसंग है 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। इस तरह सोचते विचारते हुए अपने मन में ये बात बिठाते हुए मनवा इन सब कामना भगवान से पूरी हो रही है। तुझे सफाई शांति अपने प्रभु से मिल रही है। आवागमन की जो बड़ी बुरी बीमारी इस संसार में लगी हुई है छूट जाती है जीव की। और फिर तीन प्रकार के दुख शारीरिक मानसिक और पारिवारिक, इस तीनों से जीव आजाद हो जाता है। कब? अगर मुझको मन में ना भूलना मेरे सजो, ना भूलना मेरी देवी हो। ये हमारे भगवान का 18वें अध्याय के सारी गीता सुनाने के बाद सिद्धांत रूप में भगवान ने घोषणा कर दी। अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोज तू क्यों लो इन शब्दों की फिर माफी रख लो, मेरी तरह अंता कण के अंदर ले जाओ। जिद में अपने भगवान के ज्ञान का अंदर बसाता जाऊंगा, नाना प्रकार की तकलीफों मुसीबतों कलेशों से निकल जाऊंगा। आगे कितनी गर्मा गर्म चेतावनी अपने भगवान जी की, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही ले जाएगा फिर बार। तबाही का मतलब शरीर रोग, मानसिक बेचैनी और डर और कमियां और पारिवारिक लड़ाई झगड़े फसाद है, ये होता है तबाही। तबाही जिधर जाओ जीव की तबाही होती है, उसकी शांति मिलती नहीं। कब? या भगवान और भगवान के ज्ञान को भुला दिया। ये वो गंदा वक्त जा रहा है 20वीं शताब्दी का, जबकि न भगवान की कदर न भगवान के ज्ञान की कदर। इन दिनों आप पर मेरे प्रभु की इतनी मेर, ओ मेरी कल्याण कामनी देवी, इतनी कृपा मेरे इस देव की, क्या मेरे भगवान और भगवान विशेषकर भगवान के ज्ञान की कदर कर रहे हैं? भगवान के ज्ञान की कदर करने के लिए आप तशरीफ लाते हैं, ये कितनी कृपा है मेरे इस देव की, मेरे मालिक की कितनी दया हो रही है आप पर। आप जो है चारों मुकाबला करके अपने जिंदगी जिंदगी के अनुभव के सामने रख के अब आप जी पता कर रहे हैं कि जानेंगे जी मारे को आप जी किसम पहले ये आया क्या मैंने दिखाने आया हम ये तो मेरे को समझा रही है जो वही हमारा इच्छा है जो हमारे कामना पूरी कर दे, सदा रहने वाली शांति दे, आवागमन छुड़ा दे, नाना प्रकार के दुखों से हमें आजाद कर दे, उसको हम उत्तम ना कहें तो और क्या कहें? हम उसे जी भर के उत्तम कहेंगे, बड़े शौक शौक के साथ आला कहेंगे, उत्तम कहेंगे, बेस्ट कहेंगे, सुप्रीम कहेंगे, अनपैरेलल कहेंगे, यूनिक कहेंगे, है इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि भगवान से ही हम सबकी मुरादें पूरी हो रही है। अगर ऐसी बात ना होती तो मुझे इतने वर्ष हो गए, लगभग 45-46 साल हो गए आपकी सेवा करते हुए, कभी ना आप गीता सुनने आते। लेकिन आप कितना उत्साह दिखा रहे हैं, इतने वर्ष हो गए मुझे आपके पास, क्यों? आपका मन शांत होता जा रहा है, आपका मन मेरे देवी टिकता जा रहा है, आपका मन प्रसन्न होता जा रहा है, आप आजाद होते जा रहे हैं, चिंताओं से छूटते जा रहे हैं, बेचैनी आपसे नाराज होकर जा रही है, बेकरारी आपसे काटी करके जा रही है। कितना आपका मन टिका हुआ, कितना आपका मन शांत, हींग लगे न फटकड़ी देखो और रंग भी चोखा हो, ये कहावत हम सब पे लागू हो रही है। कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा, केवल श्रद्धा को मन में बिठाना पड़ रहा है, श्रद्धा को अपना बनाना पड़ रहा है, और कितना कल्याण हो रहा है, कितने आप प्रसन्न होते जा रहे हैं। क्यों ना आपका रोम रोम कहे मेरे भगवान ही उत्तम है, जहान केवल व्यवहार करने योग्य है। ये कोई तो बता देता हमारा हमदर्दी कि जहान इतबार करने योग नहीं, जहान डिपेंडेबल रिलायबल नहीं है। वो पढ़े लिखो, नॉट डिपेंडेबल नॉट रिलायबल, सो फॉर वर्ल्डलीनेस इज कंसर्न, सो फॉर मंडल लाइफ इज कंसर्न। हाँ, केवल महाराज जी ही क्या विश्वसनीय और अवलंबनीय, विश्वसनीय विश्वास करने योग, अवलंबनीय सहारा लेने योग। दो बड़े प्यारे शब्द जी, भगवान जी विश्वसनीय और अवलंबनीय है,
जहां विश्वसनीय है नहीं। बस अब मेरे भगवान को कहना पड़ा जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने दिले हक नजर से जो अब आप अपने अंदर की खुल गया। आप गीता पढ़नी सी, गीता का ये विस्तार सुनने से क्या हमें दूसरी आंख मिल जाती है। कई जन्मों तक हमें दूसरी आंख का पता ही नहीं, जिसकी बिना हमारी मिट्टी पलीत हो रही है। कौन सी? ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु तो हर एक के लिए जो पुरुष शरीर में आया, जैसे हम मनुष्य शरीर में आया है, बड़ा अनिवार्य गए। जैसे गृहस्थी बन के कमाना अनिवार्य बने, शादी ना करते, एक पेट था कहीं ना कहीं से भर लेते, शादी की बच्ची बनाए, फिर निखट्टू बन के घर में बैठ जाए, बड़ा भारी पाप होता है, बड़ा भारी पाप। अपनी औरत के साथ विश्वास था, जिसको कहा था तेरे दुख में मैं, तेरे सुख में मैं, तेरी हर प्रकार के पग में मैं पग रखूंगा। अब बेचारी भूखी मर रही है, बच्चे बेचारे हैरान परेशान हो रहे हैं। यही तो सुदामा घरवाली ने स्थानों को ताना मारा था, आप ब्राह्मण से हमारे साथ शादी क्यों करती है? नहीं देखा जाता मुझे बच्चों की गुर्बत। हिला दिया सुदामा के मन को, मैं शादी करनी थी आपने, क्यों हमें हैरान परेशान किया? वरना पति बिता ऐसे शब्द कहे, तंग आकर के जब बच्चों ने कहा अम्मा भूख लगी है, हमारी इतनी चावल से बात बनी नहीं, और रात को दूसरे बच्चे ने कहा हमें सर्दी लग रही है, ये और कपड़ा डाल हमारे पास, कपड़ा कहाँ की डाले, हिल गया काल गया। एक भूख मांगता है और चावल नहीं है, एक कपड़ा सर्दी नहीं है तो कपड़ा नहीं है। रख रख के सुनाया अपने पति को, सरकार जैसे कमाना ग्रस्त आश्रम में जरूरी है, इससे समझ लीजिएगा जीवन के चार दिन आराम से काटने के लिए ज्ञान चक्षु जरूरी है, बड़ा जरूरी है। मेरी बच्ची, मेरी बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बेटियों, और ज्ञान भगवान से मिलता है। मैंने कई बार कहा ये तो चक्षु, चरण चक्षु जो चमड़े में आंखें हैं, ये तो मां बाप ने दे दी, ज्ञान चक्षु तो फिर भगवान से मिलते। जब हम उसके योग्य हो जाए, शास्त्र को समझ लें, या ऐसे सत्संग में आकर के मनन किया करें, तो ज्ञान चक्षु मिल जाती है। ये मेरे भगवान कहते पहले मान लेना फिर ज्ञान चक्षु से जान लेना। मानना होता है टू बिलीव, विश्वास करना, और उसके टू नो आखिर में अवस्था होती है टू रियलाइज, फिर अनुभव करने, ये हमारी अंतिम अवस्था है, अपने इष्ट देव को अनुभव करना। आहा, पहले मानना जानना, परमात्मा करे इस स्टेज पर तो पहुंच जाओ कि ज्ञान चक्षु से काम लो। बड़ी मुद्दत से आप सुन रही है, बड़े शौक से सुनते हैं, बड़े आराम से मेरी बेटियां सुन रही हैं, बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक, जितनी एकाग्रता याद है मेरे ख्याल में अगर आपके चक्कर काटने सत्संग में कहीं नहीं मिलेगी, इतनी जनता और एकाग्रता, चुपचाप एक सुई भी गिरे तो आवाज आए, इतना चुपचाप, ये भगवान की बड़ी कृपा। इतनी शांत अवस्था, इतने सारों के मन एकाग्र, हमें पता ही नहीं लग रहा कि इतनी जनता यहां बैठी है, चुपचाप शांत सपाश, परमात्मा आप कृपा करे ये ज्ञान चक्षु हमारे अंदर में चले। जब और की लगन बढ़ती है, हमारे मन एकाग्र होता है, निर्मल होता है, सूक्ष्म होता है, निर्वदन निर्वदन और भी सूक्ष्म होता है, अब भगवान अपनी ओर से दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं दर्शन के लिए, समाधि के लिए। ये तीन चक्षु, चरम चक्षु सत्संग से मिल जाती है, ज्ञान चक्षु, और भगवान दे देते हैं दिव्य चक्षु, बस जीव का कल्याण हो गया, जीव तलीन हो गया, आहा जी मालिक में एकमेक हो गया। भगवान करे मैं शरीर के रहते रहते अनेकों की ये बात भगवान के सबकी ये देख के जाऊं कि आप अपने आप में आ गए, आप अपने आप में तलीन हो गए, और प्रसाद करो मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरी शुभ भावना और भगवान की दिव्य शक्ति बिल्कुल आपके साथ है, लाभ उठाई जाओ और अपने आप को अंतर्मुखी किए जाओ। उधर कितना अच्छा कह रही है, ऐसा नेक जीव हाहा भारत समझ बा खबर है बोली, वो अपनी बेखबरी उड़ा के मार गए। बेखबरी तब तक है जब तक ज्ञान चक्षु नहीं मिले, ज्ञान चक्षु मिल गए मिल गई तो अज्ञान तक झज्जियां उड़ गई, अविद्या बिल्कुल ही भाग जाती है, जीव अपने आप ही आने लगता है, उसे समझ आ जाती है कि मेरा कल्याण किस लिए है, पूरी समझ आ जाती है। या भगवान के शब्दों के अनुसार जो अंतिम श्लोक में कहा करना है क्या और ना करना है क्या, बिल्कुल पता लग जाता है कि ये मैंने करना था जो नहीं हुआ मैं करूंगा,
और ये मैंने नहीं करना था, लेकिन मैं वो करके आदत बना ली, अब इनको भगाऊंगा, निकालूंगा, अब मैंने इनको नहीं रखना, नहीं रखना। तो रखे जब आपने इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो अंदर वो गंदी वृत्तियां रह नहीं सकती। गंदी वृत्तियां तब तक है जब तक के आपने महत्ता दे रखी है। कुत्ता तब तक घर में रहता जब तक आपने महत्ता, आपने किसी ने बता दिया डॉक्टर साहब ने जो आपके शरीर पर ये दाने निकल रहा है ये कुत्ते की मक्खी के कारण से, कुत्ता भगा दो, आप कुत्ता नहीं रह सकते आपके घर के अंदर। आप कुत्ते को ले करके कहीं छोड़ आओगे जो आपके घर में ना आ सके। आप चले गए कहीं दूसरे नगर में चले गए और इधर तो भूल भैया में आप अपनी गाड़ी चढ़ के कुत्ता वहीं रह गया, किसी और ने पकड़ लिया, क्योंकि बैठा दिया गया कुत्ता आपके लिए हानिकारक है। इस तरह भगवान की कृपा जब पता लग जाए काम करो वो लोभ अहंकार ऑल दीज नेगेटिव क्वालिटीज हमारे लिए वेरी वेरी हार्मफुल, बस अब नहीं रह सकते। अब गई मेरी देवियों, कोई क्वेश्चन ही नर नारी का क्वेश्चन ही गृहस्थी वृक्षि का क्वेश्चन तो है कल्याण का, गई अब नहीं टिक सकती। दिले भारत समझ बाखबर है कितने, मेरी अच्छी प्रभु कह रही है कैसा नेक जीव बाखबर हो गया। जैसे ये पता लग गया है, कितने जन्मों के बाद पता लगता है मैंने भक्ति कमानी है, भक्ति में मेरा कल्याण है, भगवान की भक्ति में मैं जुड़ जाना था। भगत तो हम हैं भगवान के नहीं जहान के। भगत कौन? जिसके विचारों का प्रवाह जिधर जाए उसी का भगत कहलाए। मैंने कई बार कहा ऐसे दुनिया में कोई भी नहीं जो भगत नहीं, जो कहीं भी भगत नहीं वो आत्महत्या कर लेगा, वो मौत का भगत काल का भगत बन जाता, कहीं भी मन नहीं लगता, विचारों का प्रवाह कहीं भी नहीं जा रहा, ममोया आधे घंटे में ऐसे चली मर जाते हैं। ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसे जीव को खून चढ़ जाता है बुद्धि में, बस मर जाते हैं आधे घंटे में। बोले सारी भगत है देख लो, कोई भी ऐसा नहीं। कोई पढ़ाई का भगत है दिन रात विचारों का प्रवाह पढ़ाई में, हाँ। कोई कमाई का भगत है लक्ष्मी कमाने के दिन रात लगा हुआ है। कोई देश भगत है भगत सिंह जी की तरह दिन रात अपनी देश के कल्याण के लगे हुए। कोई मातृ भगत, कोई पितृ भगत, कोई भ्रातृ भगत। जहे किस्मत आप मेरे हरि भगत, ये बड़ी अच्छी किस्मत मेरी देवियों कि अब आप भगवान की भक्ति के मारे। मेरे भगत तो सारे ही, कोई आपको भक्तानी जा रही है क्या? तू भक्तानी नहीं, तू जहान की भक्तानी है, मैं जहान के बनाने वाले भगवान की भक्तानी। हाय रे पाप, तेरा मन देख लो निस्वती, जिसका मन जहां लगे उसी का भगत। अच्छा तू जहान में लगाई बैठी है, दोते पोते लगी बैठी है, एक जानते दोता एक जानते पोता है, रब करे गर्दन में भी दो पैर लटकवा के किसी को नहीं बिठा ले। तो तू जहान की भगत है, मैं भगवान की भगत है। फर्क भगत आपस आ रही, पर बड़ी अच्छी किस्मत, लकी यार दोस्त, हु आर मेड आफ्टर गॉड। ये परमहंस महाराज जी ने कहा था, ये जहान एक पागल खाना है, बड़े अच्छे शब्द लगे रामकृष्ण परमहंस महाराज जी। मेरी देवियों ये जहान एक पागल खाना है, इसमें हर एक व्यक्ति किसी न किसी धुन के लिए पागल है। जिलो हर नारी को देखो, हर नर को देखो, हर माँ की ओर से रिश्ती है, सब पागल है, किसी न किसी धुन के पीछे सारी पागल है। खुश नसीब है वो जो भगवान के लिए दीवाने हो गए, बड़ी खुश नसीबी, बड़ी खुश, वरना तो ये जहान है ही पागल खाना, हर एक व्यक्ति पागल है। मुबारक ना दूं आपको, क्यों ना दूं? आप मेरे भगवान के लिए मस्त हो रही है, मेरी बेटियां भगवान के लिए आहा मस्तानी होती जा रही है, आहा शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये मस्ती क्या होती है? उन्हीं के विचार आए कि बस मैंने अब कल्याण करना है, उसके लिए हमारे सरताज और मन के राजा कह रही है भारत समझ बाखबर है वही, जो भगवान के लिए मस्तानी दीवाने होते जा रही है, जो भगवान के लिए प्यारे होते जा रही है। देखते जाओ अपने आप को, हर मैया हर कल्याणकारी देवी बुजुर्गों मेरे भाइयों का परम धर्म है, क्योंकि आपके अंदर से आवाज आती है खाना पीना और बच्चे पैदा कर लेना ही जिंदगी नहीं है। ये कौन आवाज ही अंदर मार रहा है हमारे? जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बंदगी के बिना शर्मिंदगी है। वाकई क्या बंदगी भक्ति नहीं कमाएंगे? कामी बनेंगे, क्रोधी बनेंगे, मोही बनेंगे, लोभी बनेंगे, अहंकारी बनेंगे। हाँ एक ही बात है, या तो भगवान की बंदगी करें या फिर शर्मिंदगी, इन गंदी वृत्तियों में लगेंगे। हाँ तीन विषय दुनिया में है नहीं, दो ही विषय है जहान भगवान। जहान में जाए तो गंदी वृत्तियों को गुलाम, भगवान में गया विवेक वैराग और भक्ति के अधीन। सचमुच ठीक कहा गया, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी,
जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी, यही जीव की मर्दानगी है कि भगवान की भक्ति में लग जाए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अपने विचारों का प्रवाह भगवान की ओर दे दो, बाकी जो भी जिस समय जरूरी काम होता है वो तो हमने करना ही है। वो तो मेरी बेटी आप जरूर करोगे, जो जिस समय के कर्तव्य कर्म है वो तो आप करेंगे, लेकिन विचारों का प्रवाह भगवान की ओर, विचारों का प्रवाह मैं कह रहा हूं, फ्लो ऑफ थॉट टुवर्ड्स ऑलमाइटी, फ्लो ऑफ थॉट्स टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। बेड़ा पार जीव का, बड़ी जल्दी जीवा पार। इस श्लोक को दिन में दो बार बोलिया करो ना, बारहवें अध्याय का। अर्जुन मैं उन्हें भक्त सागर से परली पार पहुंचा देता हूं। देखो जरा विचार किया करो, मैं ही ना विचार करता करता चला जाऊं, आप भी ये स्वभाव मेरा आप बना लो। वैसे मैं विचार करता रहता हूं सारा दिन, कोई ना कोई श्लोक लेके, कोई ना कोई फरमान किसी महापुरुष का लेके विचार करता रहा। जैसे बच्चे टीकियां चूसते रहते हैं, हमारा धर्म है महाराज जी के ज्ञान को चूसते रहना, विचार करते रहना। जैसे भगवान ने ये कितना अच्छा कहा है, कितनी बार मैं सोच सोच के गदगद हो गया, मैं उन्हें परले पार पहुंचा देता हूं। परले पार भव सागर से परले पार, किनको लो इतनी सी बात, दिल अपना जो मुझमें, मुझी से निजात अपनी, निजात मैंने मुक्ति, वो मेरे से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। कौन, इतनी सी बात, क्या विचार जो मेरे में, दिल का मतलब मन, मन का मतलब विचार। ये बड़े मार्के का फरमान है बारहवें अध्याय का, दिल अपना जो मुझमें लगाते रही, मुझी से निजात, और अपने पर अप्लाई करो, मेरे विचार भगवान की ओर जा रहे हैं ना। ओए कर कल्याण मेरी देवी, कर शरीर छोड़ने से पहले कर ले कल्याण, इससे पहले कि हमारे पर कोई डाले कफन, इसे उससे पहले ही हम लोग अपने मन के प्रवाह को भगवान की ओर कर ले। ये एक ही शर्त, इतनी शर्त, हो मेरी देवी हो मेरे सजनों, जरा बड़े ध्यान से सुन लो, दिल अपना जो मुझ में भगवान वाच है, कोई ब्रह्मा वाच या इंद्र वाच या कोई और शंकर वाच नहीं, भगवान वाच, नारायण वाच, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी सी निजात अपनी पाते, इतनी सी बात। मन के विचारों का प्रवाह उधर, क्योंकि कल्याण से होना है, तो उनको उस नेक जीव के लिए, उस नेक बख्त जीव के लिए भगवान कह रहे हैं, क्या भारत समझ बाखबर है, कोई वो बाखबर है, वो जागृत अवस्था में बाखबर, स्वप्न में भी बाखबर है, गहरी नींद में भी बाखबर है, है। अब बेखबरी उसकी गई, बच्चे वो बड़ा सतर्क है, सजग है, सावधान है, सतर्क सजग सावधान, वो बहुत ही वेरी वेरी कॉन्शियस, वेरी वेरी अवेयर। अच्छा जाग गया वो नेक जीव, उसे पता लग गया कि मेरा कल्याण ही इसमें है, भगवान जी की ओर लग जाने में मेरा कल्याण है। अब देख लो आखिर में भगवान कैसे आपका मस्तक चूम रहे हैं, हाय क्या वो तन मन से करता है भक्ति, दिलो जान से भगवान की भक्ति में लग गया। तन द्वारा जो हमारे कर्तव्य कर्म हो तो भगवान, हम करते हुए भगवान को दिखाई देंगे, लेकिन मन और बुद्धि भगवान की, कर जाओ कल्याण मेरे सजनों, और ये फरमान अपने पे लागू करवा लो, तन मन से करता है भक्ति। भक्ति नाम है दिव्य प्रेम का, दिव्य प्रेम आता है जब गुणों को देखा जाए। मैंने कितनी बार आपसे कहा फूलों से सुगंधी आती है ना, हाँ फूलों से सुगंधी आती है ना, हाँ भगवान के गुणों को याद करो, दिव्य प्रेम जाग उठेगा। बल्कि यूं कहना चाहिए मुझे, किसी का भी गुणों को याद करो प्यार आ जाएगा, मां के गुणों को याद करो रो पड़ोगी, पिता के गुणों याद करो लिपट जाओगी बाप के इर्द गिर्द, भाई को गुणों को याद करो प्यार करोगे, पुत्र गुणों को याद करो बिल्कुल प्यार करके चूम लोगी, चूमती चूमती थकोगी नहीं, मेरी बेटा इतना अच्छा स्वभाव, कितना अच्छा है, कितने गुणों वाला है, लो पत्नी का कितना आदर करता है, मेरी भी कितना आदर करता है, अपने मित्रों का गुणों को याद करो, पक्के दोस्त बने रहोगे। इतनी बात करने के बाद बच्ची कोई श्लोक जो आपको बड़ा अच्छा लगा है, हाँ अब उसको मनन करो। जैसे मैंने अभी भी बताया, कितनी आसान बात बता दी, भगवान ने कितनी कृपा कर दी, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, बस मुझी से निजात अपनी पाते रहे, वाह। और भगवान ने चुटकियां मार के रोता क्यों है, मानने टिकता टिक जाएगा तो मेरा कहना मान, बताओ मैं क्या करूं मेरे भगवान, वाह अभ्यास और वराग में कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती के लाल। तो मैं अभ्यास कर रही हूं क्या, अब इसको सोचो भगवान के इस फरमान को लेकर के ना सोचो,
कि मैंने इस बार को बड़ा आसान कर लिया भगवान के फरमान पर विचार करते करते। मनवा तो तेरे प्रभु तेरे सरताज तेरे मालिक क्या करेंगे, अभ्यास और वैराग्य में कमाल लाना था तुझे, तू शिकवे करता रहता है जबकि भगवान ने तरीके बताए। कोई लड़का दरवाजे के साथ खड़ा हो रो रहा है, भूख लगी है घर के अंदर इतनी जोर की भूख लगी है, कोई काम भी नहीं होता, पढ़ाई भी नहीं होती, नींद भी नहीं आती, नींद में भी मैं करवट ही बदलता हूं, भूख लगी है। आगे मां नजदीक, काका क्या मैंने पकाई नहीं, पकाई है, क्या सब्जी नहीं घर में पड़ी, पड़ी है, क्या तली रहता नहीं, पड़ा पड़ा, क्या तली हलवा नहीं रखा, रखा, फिर तू खाता क्यों नहीं, पिताजी ने थप्पड़ मारा है, तो पिताजी ने थप्पड़ मारा तो रोटी नहीं खानी, वो तो पिताजी ने मारा ना, मैं तेरे लिए भोजन बनाया है, क्यों नहीं खाता, अच्छा दे फिर खा लेना है, पिताजी ने थप्पड़ मारा रोटी नहीं खानी, वो मां ने रोटी बनाई है खा ले। इसी तरह भगवान ने हमें चोटी का ज्ञान दिया है, अगर हमारे गंदे संस्कार है वो तो भोग लेंगे, लेकिन जो भगवान ने ज्ञान दिया वो मन को भोजन है, दे दो ना। विचार किया करो ना बैठ करके कि मेरे भगवान क्या कमाल कर रही है, ये क्या उन्होंने कह दिया अभ्यास और वैराग्य में कमाल, रोटी पके पड़ी पुत्र रो रहा मुझे भूख लगी है, इतना चोटी का भगवान का ज्ञान है, लानत मैं मन को समझाया करता था, फिर तू कह रहे मैं दुखी हूं, मेरे में सुख नहीं है, मैं क्या करूं, तो भगवान ने ज्ञान जो दिया है, जैसे मां कहती पुत्र मैंने रोटी जो पकाई भूखा क्या मरता, भगवान की तेरे सुख के लिए तो मैंने ज्ञान दिया है, तो ज्ञान पकड़, नहीं चाहे जहां में कोई ज्ञान थी, करे बात फितरत जो इंसान की, ऐसा विचार करते हुए ज्ञान की ओर झुक जाओ, ज्ञान की श्रद्धा बढ़ा लो, जो आपके श्लोक बड़े मार के चुभते हैं, जो आपको चुभते हैं लो अपने अंदर। भगवान कहती हैं मेरे दीदार से पहले जीव ये अवस्था बना लेता है, दूसरे धैर्य इकतरवा श्लोक बड़ा इंकलाबी, इसके बाद भगवान ने कहा यही है मकामे फसाले खुदा, मेरे दीदार से पहले ये अवस्था कौन सी, इंसान करे ख्वाहिश से विहाय कामान या सर्वान, विहाय कामान या सर्वान, सब प्रकार की संसार संबंधी कामना को वो छोड़ देता है और मन मेरे में लगाता है। तो मनुआ देख अभी तो कहते हैं मुश्किल मुश्किल क्या, भगवान ने तो बता दिया, भगवान ने समझा दिया, शाबाश, जिसने आपके साथ शादी करनी वो रो रहा था, हाँ आप कहीं मिली उसको बाग में या पार्क में मिली होंगी, आप रोते, आप अचानक उसको मिलने के लिए आए तो बैठे होते बेंच पर रो रहे आप, हाँ क्यों, हमारी शादी में देरी होती जा रही है, तो कोई देरी नहीं है, मैं आपको यकीन दादी पिताजी का यही काम है कि आप ग्रेजुएट हो जाओ, दो बार तो इम्तिहान दिया मैं पास नहीं होता, तो फिर कोशिश कर, जब मेरी पिताजी ये कहती थी फिर क्या बात है, फिर कोशिश कर पिछाड़ कर, मैं तुझे रुपए लाई हूं पिताजी से निकाल कर, हाँ क्या कर, ट्यूशन रख ले, ये ले 500 रुपया, 2 महीने की ट्यूशन रख करके अपने अंग्रेजी में ठीक हो जा, खैर शाबाश मेरी बेटी शाबाश, ले आप बस यही तो पति ने कहा ये बीए हो जाए मैं शादी कर दूंगा, तो तू कर मेहनत, अच्छा मनोरमा मैं फिर दिन रात ये कर देता हूं, वो यही हमारे भगवान कह रही है, हाँ छोड़ गति मती कामना को मैं तुझे निहाल कर दूंगा, हाय कितनी गजब की बात, जैसे वो कह रही तो शर्त पूरी कर ले, मेरे पिताजी कहते तो ग्रेजुएट हो जा शादी हो जाएगी, भगवान कितने गंदी कामना को छोड़ दे, यही गए मकामी मेरे दीदार से पहले यही काका इस तरह सोचा करो मेरे बेटो, ओ मेरे बच्चो, ओ मेरी कल्याण कामी देवी हो, हम तो कह कह के आपसे जा रही गए, कहानी बन जाएगी ये यहां की, आपको तरीके बता के समझा के जा रहे हम, अब जैसे वो कह रही तो बीए को जब मेरे पिताजी मान जाएंगे, तो भगवान कह रहे गंदी कामना छोड़ पड़े, जो आ गया मेरे प्रभु, इन कामनाओं में कुछ नहीं पड़ा हुआ, कामना तब रखी थी कोई उम्मीद थी, और ये उम्मीद पूरी हो नहीं सकती जब संसार की कामना पूरी करे, तो कोई ना भगवान का कहना माने और भगवान को मजबूर कर दे अपना वचन पूरा करने के लिए, यही गए मकामी वसाले, मेरे दीदार से पहले यही अवस्था बन जाती है, ऐसी विचार किया करो, ऐसी सोचा करो, हाय कितना अच्छा भगवान ने कहा, कितनी अच्छी बात कही, फिर कोई श्लोक पकड़ लिया नामे दया का 22वां, फिर इस पे विचार किया ये मेरी अवस्था बन रही है क्या, ऐसी सोचा करो, बड़ी जल्दी मेरे प्रभु की आप पर कृपा हो जाएगी, जैसे मैंने देखा अपनी अवस्था, मैं वही आपको बता रहा हूं, सब बच्चियों को अपनी जो मेरे साथ बीती है वो तरीका आपको बताया जा रहा हूं, आपने ये फरमाया नाम का 22वां बड़ा इनकलाबी, क्या करती है खालिश इबादत मेरी, वो यक दिलो जी मैंने रखे दुई है खालिश इबादत अनन्यता, हाँ पवित्र भक्ति जिनका मन और कहीं लगा हुआ, जैसे आपने पवित्र शादी की और किसी पुरुष को नहीं चाहती, ये पवित्र शादी,
आपने भी शादी किया और किसी नारी को आपने खाली नहीं करते, ये पवित्र शादी। तो भगवान कहते हैं जो मेरे से मेरी भक्ति करता है लेकिन फिर और प्राणी पदार्थ का चिंतन नहीं करता, यानी नापाक मोहब्बत नहीं है, पाक मोहब्बत है, पवित्र भक्ति है। तू मन फिर देख, तेरा सारी बात उन्हीं से बन जानी है, तेरा सारा कल्याण तो उनसे जाना, सबका सब कल्याण। हाँ फिर तुझे और चिंतन करने की जरूरत ही क्या है, ऐसी शर्त पूरी कर रहा है। अपनी मन से बातें किया करो एकांत में बैठकर, ये नहीं कि बोलते जाओ कोई झल्ला पागल हो गया, अपने अंदर ही अंदर। जैसे हम लोग यूं करके सोचते रहती है, कोई अब मुंह पर आवाज नहीं, लबों पे मोरे खामोशी, लबों पे मोरे खामोशी, दिलों में याद करते, लब पे चुप हो गए, अंदर से विचार ऐसी मेरी अवस्था बन गई क्या, मैं ही फिर बात हूं मुझे लानत। जबकि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, भगवान पर तब शिकवाओ जब हम शर्त पूरी करें और उधर से जवाब ना आए। हर पर मेरे यहां शिकवा तब आ जाता, आप टेलीफोन नंबर मंदिर का खड़काएं और कोई बोले नहीं, तब शिकवा। हम मंदिर माम तली खड़काते रहती है, जरा आपकी तली बैठती है भरकर उठा लेती है, तत्काल शिकवा तब है जब यहां की घंटी बजे और रिस्पॉन्स ना हो, देर एंड देन देर इज वेरी गुड रिस्पॉन्स। हाँ हम भगवान की शर्त पूरी करें ना, करती है खाली सी इबादत मेरी, यक दे लो जी में न रखी, दुनिया का विचार नहीं करते, करने शर्त खड़काओ ना घंटी ये एंड हैव ए गुड रिस्पॉन्स। मैं कुर्बान कैसे समझाऊं आप सबको मेरे दाता, और मैं कैसे समझाऊं तेरे नेक जीवों को, कितनी जल्दी भगवान इसके उत्तर देते हैं। उत्तर कहिए या प्रति उत्तर कहिए, आपने प्रश्न किया तो जो उसका उत्तर मिलता है उसको बोलते हैं उत्तर प्रति उत्तर। आप करो ना कि ऐसी में जुटना हो, ऐसे बन जाओ मेरे बच्चे, ऐसे शौक पैदा कर लो, इसको भक्ति कहती है। ये सही तरीका भक्ति करने का कि ये फरमान मेरे पर क्यों नहीं लागू हो रहा, फिर कैसे मैं भगवान की योग्य बन गई हूं। वेदर आई एम डिजर्विंग फॉर ऑल माइटी, वेदर आई एम फिट फॉर ऑल माइटी, वेदर आई एम एलिजिबल फॉर ऑल माइटी। ऐसे अपने आप से पूछो, मेरे भोले भाले बेटे, ओ मेरी भोली भाली बेटी, ऐसे पूछ। मैं भक्ति तो करती हूं, कैसे भक्ति करती है, भगवान के योग्य बन गई है। ऐसे इनकलाबी प्रश्न किया करो, यमले कमलों की तेरे भक्ति नहीं, दानाओं की तेरे भक्ति करो, बुद्धिमानों की तेरे भक्ति करो, है जो बड़े मेधावी होते हैं उनकी तरह भक्ति करो, जैसे विवेकानंद ने की, जैसे स्वामी रामकृष्ण महाराज जी ने की, दराई के साथ, विचारों के साथ। भगवान तो ऐसा कह रहे पर मेरी तो ऐसा लाना था मुझे, फिर उम्मीद के बरखिलाफ उम्मीद, होपिंग अगेंस्ट होप, मैं इसके योग्य नहीं हुआ और फिर मैं भगवान को शिकवे दे रहा हूं, शेम शेम शेम। मैं पहले अपने आप को डिजर्विंग तो बना लू, हायो मैं कुर्बान, वो डिजर्विंग बनाओ बेटी, एक एक दिन जिंदगी गुजरता जा रहा, फिर कोई और भगवान का फरमान ले लिया, और ले लिया मेरे भगवान का फरमान। कितना अच्छा ये इनकलाबी फरमान है, क्या मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम, तो ये मेरे पर लागू हो रहा है क्या, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग, माम अनुस्मर, ये दो शब्द सिर्फ माम आगे अनुस्मर, माम ने मुझको अनुस्मर मैंने याद करता रहा। भगवान की पावन स्मृति मधुर स्मृति बनी रहती है क्या, कभी बाथरूम में होती हूँ, कभी मैं रसोई में होता हूँ, कभी दफ्तर में होता हूँ, कभी दुकान पे होता हूँ, एनीवेयर सुपर दी बॉडी इज फिजिकल बॉडी इज कंसर्न एनीवेयर, लेकिन मेरा मन कहाँ है। क्योंकि हमारे भगवान तो ये कह रही है, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग कर, आगे देखो, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, आगे देखो, मेरा वसल पाएगा तू लाख है कहे। बात बात में तो भगवान जी हमें तैयार कर रही है, तब तो मेरे योग्य बन जाएगा। फिर क्यों ना भगवान जी कहें भारत समझ, अब हमें बाखबर नहीं कहा जाएगा अगर इससे स्वभाव बन जाए हमारा, इससे लगन लग जाए, तो बिना लगन के बात बननी नहीं जी मेरे सजनों, एक बार खपते हो जाए बस, लगन लग जाए। जैसे कोई चीज आप पति के पीछे पड़ गए, देखो मैंने आपको सवेरे भी कहा था क्या ये मैंने कपड़ा लेना है, अच्छा फिर दो दिन के बाद फिर देख लो आप सुनी अनसुनी करते जा रही है, अच्छा जरूर जरूर ले देंगे, फिर आपने एक बार कहा, अब आप एक बार इनकार कर दो, इसके बाद मैं नहीं कहूंगी, नहीं मुझे भोजन करवा चल बाजार मेरे साथ ले ले, बार बार कहती रहे ना मिल गई ना, इस तरह भगवान के फरमान को बार बार विचार करो ना, अपने पर लागू करो ना। हाँ बस भगवान ने खुद कहा है, लगाई ती लो जिससी
हाथ से लगो, अगर इस तरह हमारी लगन लगी तो वो बात पक्की हो जाएगी, हम भगवान के योग्य बन जाएंगे। करो ना, ऐसा बनाओ ना, कितना अच्छा समय गुजरता, रात को नींद नहीं आती, लगाओ मेरी चौकड़ी जैसे मैं चौकी लगा बैठा हूं, कोई श्लोक सामने रखो, कोई श्लोक सामने रखो, करो अपने पर अप्लाई, कि मेरे पर अप्लाई होता है, जब भगवान ने ये शर्त लाई मेरे पर लागू होता है, सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, मांग आके दामन में मेरे पाना, मैं भगवान की राह पे चल पड़ा हूं, भगवान के इरादे को, मन के विचारों को जो भगवान ने दिए मैं लगा लिया, और जैसे भगवान कर रहे हैं मैं अपने दिन और रात ऐसे काट रहा हूं। अब चुप हो जाएंगे कि नहीं, पूरा इंसाफ तो नहीं हो रहा, तो फिर मेरा क्या हक है कि भगवान को शिकवे दूं, गिले दूं, फिर शिकवे गिले की बात ही कुछ नहीं। इस तरह भगवान कह रहे हैं बाखबर है, वही उसको मेरे भगवान कह रहे हैं, वो बड़ा बाखबर है, वो क्या कर रहा होगा, तन मन से करता है, इसको भक्ति बोलते हैं, मेरी देवियों मेरे सज्जनों, भगवान का दिव्य प्रेम ठाठे मारेगा। हमने क्या कहा, मूसलाधार वर्षा हो रही है, कब, जब चारों ओर पानी पानी हो गया, कोठे से देखते हो तो पानी, बाहर आकर देखते हो तो पानी, खिड़की में देखा तो पानी, इधर परली ओर देखा तो गली के इस तरह आपने पानी देखा, कोठे पर चढ़ गए पता नहीं क्या करने, तो देखा कोठा पानी से भरा पड़ा, प्रणाली जोर जोर के बह रही गए, आपने कहा बड़ी जोर के वर्षा और देखो पानी पानी नजर आया है। हम क्या, हमारी बुद्धि में भक्ति, हमारे मन में भक्ति, हमारे कर्मों में भक्ति, हमारे चाल में भक्ति, हमारे सोचने में भक्ति, हमारे विचार में भक्ति, तो इसको फिर क्या कहेंगे, भक्ति बढ़ चली, जैसे चारों ओर हमें जाली जाल दिखाई दिया, हमने बड़ी जोर की मूसलाधार वर्षा हो रही है, इसमें कर लो ना, फिर भगवान कहेंगे ये बाखबर है मेरे बच्चा, और फिर भगवान क्या कहेंगे, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। आप कहते हैं वो बड़ी जोर की वर्षा है, जिधर मैं देखती हूँ जाली जाल है, फिर ऐसे जीव जो भी क्रिया हो साथ महाराज जी का साथ हो जानी चाहिए, ऐसे ऐसी भक्ति बढ़ जाती है, ऐसी लगन लग जाती है, जब किसी फरमान को ले ले, एक दिन में एक फरमान पकड़ लिया करो, दिन में टाइम मिलेगा, दोपहर को टाइम मिलेगा, रात को सोती बार टाइम मिलेगा, उसी श्लोक पर बार बार विचार करने लग गए, वो अंदर ही पक्का होता जाएगा, और आपकी आप रोशन जमीर है, हाँ आपकी जमीर आपको कहेगी अभी नहीं, अभी कसर है, फिर मेरे मालिक आपको ताकत दे देंगे, फिर आप अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कोई एक श्लोक जो बड़े जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको बड़ा प्यार लगता हो, बारहवें अध्याय में कई श्लोक है बड़ी मेरे मालिक के, मेरे इष्टदेव के फरमान शानदार है, उसको देखा करो, बार बार देखो क्या सुंदर कहा, दो लाइने में कितनी कमाल की, बारहवें अध्याय का अंतिम श्लोक के अंतिम दो लाइने, हाँ क्या 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 कितनी कमाल का फरमान है, जो जो मुझे अपना उद्देश्य बनाती है आला, जो मकसूद आला समझ ले, जिनके क्या फरमान, जिनके जीवन का यही मिशन है वही भक्त गए सबसे, क्या इस पर सोचते रहो, सारा दिन के लिए हमारी ये खुराक काफी है, जो मकसूद आला, दुनिया में तो कई उद्देश्य होती है, देयर आर सो मेनी मिशन ऑफ लाइफ, बट भगवान कहते हैं वो इसी मिशन को आला समझती है, कि इसी से मेरा बड़ा कल्याण जाना है, मेरी भलाई और मेरी बेहतरी जानी है, जो ये समय लेती है, भगवान कहते ऐसे बाजी लग गए तो अपने पर पढ़ाई करो, ऐसी मेरी में है, ये तो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया, कि आप कोई किसी पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी खाली है, कोई जगह खाली है नौकरी के लिए, हाँ आप अप्लाई कर रही हैं, पर कमले अखबार में ये शर्तें दी गई हैं, आप पे लागू होती हैं, क्वालिफिकेशन अंग्रेजी बोलती बेटे, अपनी भाषा में कहेंगे विशेषताएं, ये विशेषताएं आप पे लागू होती हैं, क्या आप बीए पास हैं, क्या आपको कम से कम एक साल का तजर्बा है, क्या आपकी आयु 26 साल से कम है, क्या आप चुस्त और होशियार हैं, क्या आप अंग्रेजी में किसी से बातचीत फ्लुएंटली कर सकती हैं, देखो शर्तें क्या लगाई, देख लो ना, आप अपने आप को एक्टिव कह सकती हैं, समार्ट कह सकती हैं, शाबाश, अगर कोई ऑफिस से कई दिनों के लिए आपको बाहर जाना पड़े ऑफिशियली तो आप जा सकती हैं ना, नाउ यू कैन अप्लाई, अगर आपकी ये लागू होते हैं ये शर्तें तो अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट दैट वैकेंसी। इसी तरह स्वाम जी ने कहा भगवान के फरमान को देखो ना, क्या ये मेरे पे लागू होता है, नहीं तो फिर पुरुषार्थ करो, उन शर्तों में कोई कमी है तो उसको पूरी करके फिर अप्लाई करना, जो भगवान जी कह रहे हैं ये मेरे पे लागू हो, क्या मैं ये जुटा हुआ अभ्यास और वैराग में कमाल, मैं अभ्यासी और वैरागी हूं, जो मेरे भगवान का फरमान है उसके साथ मैं प्रैक्टिस करिए जा रहा हूं और मेरे वैराग बढ़ता जा रहा है, वैराग का मतलब दुनिया में धंधों से मन छूट जाना, विड्रॉ हो जाना,
और बिखरा हुआ मन भगवान के चरणों में लग जाना। स्कैटर्ड माइंड सेंट्रलाइज्ड इन वन, स्कैटर्ड माइंड सेंट्रलाइज्ड इन वन। क्या ये अवस्था मेरी बनती जा रही है? अब करो फिर अप्लाई भगवान को, कहो हाय हाय। ये भगवान क्या कह रही है? वो तन मन से करता है भक्ति में। ये मैं भक्ति की झांकियां दे रहा हूं आप सबको, ये भक्ति की झांकी है मेरी माताओं बेटियों। भगवान के फरमान को सामने रखो, अप्लाई करो। ऐसी अवस्था दी मेरे ताकत प्रभु, मेरे पर अप्लाई नहीं होता, मुझे शक्ति दी मेरे मालिक। मैं पखंडी नहीं हूं, मैं आपके चरणों का पक्का दास हूं। मुझे ताकत दो, मैं अपनी आंतरिक अवस्था ऐसी बना दू, बस मेरा पास। मुझे शक्ति दो मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मेरे सर्वस्व, मेरे सर्वेश्वर ईश्वर, सर्वेश्वर ईश्वर। मुझे ताकत दो कि मैं ऐसी अपनी अवस्था बना लू। जरूर शक्ति देती है मालिक, जरा प्रेम बढ़ाई जाए, लगन बढ़ाई जाए और भगवान के इन शब्दों को अपने पे लगाई जाए। भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है। जिन्हें भी आपके भगवान करें, वो तन मन से करता है भक्ति में। उसके मन बुद्धि में इरादा ही भगवान का हो गया है और विचारों में भगवान है। जो भी क्रियाएं करता है वो शुभ क्रिया करती है, अशुभ नहीं करते। उनकी शुभ क्रियाएं होती हैं और वो भी भगवान को सामने रख के। पहले हम क्रिया करती थी धन को सामने रख के, बच्चों को सामने रख के, पत्नी को, पति देव जी को सामने रख के, पहले जहान को सामने रख के, पहले इज्जत मान बड़ियाई को सामने रख के। अब क्या होगा? भगवान को सामने रख के। मेरे मालिक आपने कहा है ना, हाँ मेरा सर्वस्व हाजिर है आपके लिए, यह आपने पाठ पढ़ाया है, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। लो मेरे मालिक, आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड, आपका फरमान मेरी सिर के ऊपर, मैं ये कर रहा हूं, बस बेड़ा पार। थोड़े दिन करो तो सही, महाराज जी के फरमान को सिर माथे पे रखो। वो तन मन से करता गए भक्ति मेरी, कौन दिलो जान से भक्ति कौन कर रहा है? भारत समझ बाखबर है वही। बाखबर कौन है? जो पुरुषोत्तम इस तरह, पीछे पीछे हटते जाओ जवाब मिलते जाएंगे आपको, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने, जिसने भगवान को ऐसा उत्तम जान लिया, इधर सारा जहान के साथ मुकाबला करके, अपनी गुजरी हुई जिंदगी के तजर्बों को याद करके, अब जो कह रहा भगवान ही उत्तम है, भगवान की भक्ति उत्तम है, मेरे मालिक ही उत्तम, वो ही सब कुछ कर सकते हैं, और कोई नहीं, और किसी में इतनी समर्थता भी तो नहीं है। शाबाश मेरे कल्याणकामी सज्जनों, कल्याणकामी देवियों, शाबाश। आहा, परमात्मा हमें योग्य बना ले। आहा, मन में याद प्रभु की वो मुकद्दर वो तो ऐसा हो, मनो में लबों पे जिक्र उनका हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो, लबों पे लबों पे नाम उनका हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो, लबों बहुत अच्छे दिलों में याद उनकी वो मुकद्दर हो तो ऐसा हो, है दिलों में आज दिलों में याद उनकी वो मुकद्दर हो तो ऐसा हो, मालिक जी ओए लबों पे नाम उनका हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो, लबों पे मनो में याद उनकी वो मुकद्दर वो तो ऐसा हो, है
सबों से नाम उनका हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो। दे दो शक्ति मालिक जी, हमें ऐसी शक्ति दे दो। लबों पे नाम उनका हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो। लबों पे करो प्रार्थना भगवान से करो। दिलों में याद उनकी हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो। अजी दिलों में याद उनकी हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो है। लबों पे नाम उनका हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो। लबों पे दिलों में याद उनकी वो मुकद्दर हो तो ऐसा हो है। अजी अजी लबों पे नाम उनका हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो। तथास्तु कह दो प्राणनाथ, हर समय आपका मन में सिमरन हो, लबों पे आपका जिक्र हो मेरे मालिक, हमें भी ऐसा बना लो मेरे प्रभु, हमारी भी ये मुराद पूरी कर दो। प्राणनाथ दयालु कृपालु प्रभु, हमारी दिली आवाज सुन लो मेरे मालिक, सुन लो मेरे प्रभु, हमारी भी दिली आवाज सुन लो। लबों पे नाम उनका हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो। लबों पे मनों में याद उनकी हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो। हाय अजी अजी लबों पे नाम उनका हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो। लबों पे मनों में याद उनकी हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो। अजी अजी लबों पे नाम उनका हो मुकद्दर हो तो ऐसा हो। लबों पे हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन सुखना सभी संतु निहाया सभी भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफर करना इसने हार्दिक धन्यवाद।